हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मन्ना जीस मेन्यू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वड़ा पाव की रेसिपी, जो महाराष्ट्रियन स्नैक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो आलू, उसमें डाला है 1 कप वाटर, और आलू बहुत बड़े हैं तो मैंने इसको हाफ कर लिया है इस तरह से। अब इसमें डालेंगे नमक 2 टीस्पून्स, और इसको लगा देंगे विजिल्स, 3 विजिल्स आने तक इसको प्रेशर देंगे प्रेशर कुकर में मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही ज़्यादा नहीं गलाना है आलू, तो इस तरह से आलू अंदर तक गलने चाहिए, आप चेक कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अगर आलू गल जाएंगे तो उसकी टिक्की नहीं बनेगी। तो आलू ठंडा होने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे इस तरह से। और साथ ही मैंने लिए हैं हरी मिर्च 5 से 6, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, नींबू हाफ, और इसी के साथ 2 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है। आप चाहें तो साबित धनिया मोटा मोटा कूट के आप इसमें डाल सकते हैं। और तड़के के लिए थोड़ा सा तेल, हल्दी, नमक और ज़ीरा राई, थोड़ी सी हींग का इस्तेमाल हम करेंगे जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आलू को मैश कर लेंगे, हल्का सा मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ ही मैंने इस हरी मिर्च को कूट लिया है मोटा मोटा, अदरक भी इसी में आप कूट सकते हैं। तो एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाला है, ऑयल के गरम होते ही इसमें डाल लीजिए राई, राई के चटपटाते ही थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ हाफ टीस्पून जितना, फिर इसमें डालेंगे करी पत्ता, उसके बाद अदरक, अदरक को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें डाल लेंगे हरी मिर्च मोटी कुटी हुई, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस रेसिपी को मैंने सीखा है पूना में, जब हम पूना में थे तो हमारे आंटी थे पड़ोसी, उनके पास। थोड़ी सी हींग मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके बाद इसमें आखिर में डालेंगे धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया मैंने पाउडर की तरह लिया है तो मैं आखिर में डाल रही हूँ। अगर साबित धनिया आप लेते हैं तो हरी मिर्च के साथ आप डाल सकते हैं उसको। तो अब बारी है आलू की, पूरा आलू इसमें डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। तो हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। लो फ्लेम पे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। अब इसमें डाल लेंगे हरा धनिया, हैंडफुल हरा धनिया यहां पर मैंने डाला है। और 1/2 नींबू। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फ्लेम को बंद कर दीजिए यहां पर, और इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरी चटनी। उसके लिए मैंने लिए है 2 लहसुन की कलियाँ, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 हैंडफुल हरा धनिया, 1 हैंडफुल पुदीना, और 2 से 3 टेबलस्पून जितना विनीगर, थोड़ा सा नमक। तो ये हरी चटनी ज़रूर बनाइए इसके साथ, बहुत ही सिंपल है और इसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ठंडा हो गया है आलू, इस तरह से आलू की टिक्की बना लीजिए आटे की तरह, उसको राउंड जैसा रोटी का बनाते हैं उस तरह से, फिर उसको इस तरह से अच्छी टिक्की आप आलू की बना लीजिए। तो तैयार है हमारे सारी टिक्कियाँ। 1 कप बेसन का मैंने लिया है, उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा सोडा पाउडर,
कुकिंग सोडा, हाफ टी स्पून कुकिंग सोडा इसमें लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। पाउडर को फिर इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए। बहुत ही थिक भी नहीं, बहुत ही थिन भी नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि टिक्की जो है अपनी आलू की उस पर बैठे। तो ऑयल को चढ़ा लिया था मैंने और ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब इसको तल लेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप तल लीजिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर। पूरा कोट होना चाहिए ऊपर से। और इसको हल्के से ऑयल में आप फ्राई कर लीजिए गोल्डन कलर आने तक। तो फ्राई हो गया है वड़ा, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। तो अब चलिए, ये पाव है फ्रेशली बेक्ड पाव, इसको मैंने बटर लगा के दोनों तरफ सेक लिया है। अब इस पे मैं लगा रही हूँ हरी चटनी। तो ये हरी चटनी जितनी स्पाइसी रहेगी उतना मज़ा आएगा खाने में इसको। और इसके ऊपर इस तरह से वड़ा रख लीजिए और इसको अच्छे से प्रेस करें इस तरह। तो तैयार है हमारा बहुत ही स्पाइसी, सिंपल, इजी, टेस्टी वड़ा पाव। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस लॉकडाउन में आपके काम आ जाएगी। इसको सर्व कर लीजिए हरी चटनी से या फिर हरी मिर्च तली हुई। ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, खुदा हाफिज़।